मदद देने में पीछे नहीं रहा। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर फादर स्टेन स्वामी तक के जीवन को राज्यवासियों ने देखा है। आने वाली पीढ़ी को भी यह जानना चाहिए, फादर स्टेन स्वामी दलित वंचित आदिवासी समाज के प्रति सदैव संवेदनशील रहे। फादर स्टेन स्वामी के व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई थी, तब यह पता नहीं था कि वे अपने जीवन काल में अमिट लकीर खींचते आ रहे हैं। अब उसका एहसास हुआ है, उनका जीवन आसान नहीं था और वे साधारण व्यक्ति भी नहीं थे। अपने जीवन में उन्होंने हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य किया था। योगों बाद ऐसे लोग आते हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों की छाप कभी नहीं मिटती। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम बागीचा में फादर स्टेन स्वामी की स्मृति में आयोजित सभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा, जीवन है तो मृत्यु भी है, लेकिन इस जीवन काल में हमें सकारात्मक कार्य कर विदा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित वंचित और आदिवासी समाज की भौतिकवादी युग में विकास की रफ्तार कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। मैं अकेले यह कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए सभी को व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। हालांकि सरकार किसी भी योजना को दलित वंचित और आदिवासियों की सहभागिता को ध्यान में ही रखकर धरातल पर उतारती है, सरकार इनकी जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है। स्मृति सभा में आर्च बिशप थियोडोर, ऑक्सिलरी बिशप टेलोस्फर बिलोंग, फादर अजित खेस, फादर संतोष मिंच, फादर टोनी प्रोवेंशियल, सिस्टर जनरल, सरना समिति के प्रतिनिधिगण व अन्य उपस्थित थे। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोच। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.